तो ऐसे ही मैं एक दिन कुछ कमेंट्स रीड कर रहा था, तो एक कमेंट पे मेरी नज़र पड़ी, उसमें लिखा हुआ था कि भाई मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था नहीं, करता हूँ आज भी, मगर अब उसकी शादी हो चुकी है। कहते मैंने उसे हमेशा अपना 100% दिया, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी मैं उस चीज़ को पूरा कर देता था, मैं जॉब करता था वो पढ़ती थी, मैं अपनी सैलरी तक उसे आधी देता था, आधी से ज़्यादा देता था कि उसे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो ले ले, उसे मांगना ना पड़े मुझसे। कभी कभी उसके पास स्कूल फ़ी के भी पैसे पे करने के लिए नहीं होते थे तो कहते थे वो मैं देता था। कहते उसके हर खर्चा, उसकी हर एक चीज़ मैंने झेली, मैंने उठाई, और मुझसे रो रो के मिलती थी, यार तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे, अगर तुमने छोड़ दिया तो यार मैं तो मर जाऊँगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगी। मगर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से उसने कहा कि मैं अब शादी करने जा रही हूँ किसी और से। जब पता करा मैंने उस लड़की के बारे में तो कि वो लड़का मुझसे भी ज़्यादा रिच निकला, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई कि क्या उसने मुझे पैसों वैसों के हिसाब से मतलब छोड़ दिया, कि ज़्यादा पैसे दिखते ही कि वो किसी और के साथ चली गई। तो कुछ सवाल रह गए उस बंदे के दिल में, जो मैं अपने लफ्ज़ों से करूँगा, कोई शायरी नहीं है, कि तुम्हें मुझसे कोई लगाव था ही नहीं, फिर भी साथ रहने का नाटक तुम कमाल करती थी। तुम्हें मुझसे कभी लगाव था ही नहीं, फिर भी साथ रहने का नाटक तुम कमाल करती थी। जब तुमको छोड़ना था तो छोड़ देते ना, छोड़ तो नहीं दोगे बाबू, फिर मुझसे क्यों सवाल करती थी। और बस एक बार मिलो और मुझे मिलके इतना बता दो, और बस एक बार मिलो और मुझे मिलके इतना बता दो, मुझसे मोहब्बत थी कभी तुम्हें या बस पैसों के लिए इस्तेमाल करती थी। मेरी बद्दुआ है तुम्हें, जो धोखा तुमने मुझे दिया है वो धोखा तुम्हारे सामने भी आए, तू चाहे जिसको मेरी तरह और वो तुझको तेरी तरह छोड़ के चला जाए। लगाए हैं जो तुम पर बेवफाई और मक्कारी के दाग, मिलकर साफ कर देना। लगाए हैं जो तुम पर बेवफाई और मक्कारी के दाग, मिलकर साफ कर देना। तुम्हारी सच्चाई दुनिया वालों के सामने ले आया, कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। बहुत शुक्रिया।